हेलो एवरीवन, आज हम HECP ह्यूमन हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर है ये जो हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जो कॉमन चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर है फंडामेंटल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ रिलेटेड, वो सारे कॉमन एग्जाम है, पर जो माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो चलिए इसी से शुरू करते हैं HECP। सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी लिख देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी तीन वर्ड से मिलकर बना होता है, माइक्रो बायो और लॉजी, या हम कह सकते हैं दो वर्ड से माइक्रो और लॉजी बोल दीजिए, या तीन वर्ड बोल दीजिए, माइक्रो बोलो, बायो बोलो, फिर लॉजी बोलो। सो हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ से, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल लाइफ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्मॉल लाइफ का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लैनेट या इन लिविंग सिस्टम, स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग सिस्टम। इसका मतलब हुआ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, विच इंक्लूड, उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, विच इंक्लूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये सबको पता, आप लोगों को पता होगा, प्रोटोजोआ, मोल्स एंड वायरसेस, ये सब चीज़ें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं। नाउ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे हेल्थ, हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड हमारी सोसाइटी एंड हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम माइक्रोबायोलॉजी को अपने ह्यूमन हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी जितने भी माइक्रोब्स है वो हमारी ह्यूमन हेल्थ और सोसाइटी से जुड़ी हुई है। नाउ इसके अंदर दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक तो होते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हमारी सोसाइटी में ये दोनों प्रकार से हेल्पफुल है और एक हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर बेनिफिशियल है, ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए ये बेनिफिशियल है, और दूसरे तरफ एंड ऑन द सेकेंड हैंड ये हार्मफुल भी होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब बेनिफिशियल कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये हमें कर्ड बनाने के लिए, चीज़, वाइन इंडस्ट्रीज़ में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने में, बॉडी के अंदर कुछ विटामिन्स भी बनाते हैं, एंड जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर हम एरोबिक पढ़ते हैं माइक्रोब्स को। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि जिंदगी को हमारी मार देते हैं, थ्रेटनिंग। एंड सेकेंड वन, देवर्स वेरी सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर, डरावने होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए हमें। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। सो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ गए। बट इस चैप्टर, ये तो हुआ एक जनरल इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन, प्रोपगेशन एंड आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें जो है ना, ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, हम इन्हीं तीन पॉइंट्स को पढ़ेंगे डी फार्म के अंदर। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ होता है उनका। स्मॉल साइज़ के कारण वो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखते ही नहीं हैं, जो हम उन्हें पकड़ के प्रोपगेट कराए। प्रोपगेट का मतलब ये है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाए, उनके नंबर को बढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले और उन पर हम टेस्ट करें, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करें, कुछ जानने, कुछ सीखने को मिले हमें। सो माइक्रोब जो होते हैं बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, अपनी नेक्ड आई से हमें दिखते ही नहीं है, जो हम इन तीन प्रोसेस को कर पाए। सब होता क्या, इनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग करने की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इन्हें देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1934 में एक अर्नेस्ट ऑगस्ट फ्रेडरिच रुस्का नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्स्ट डिज़ाइनिंग की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इनके साथ साथ अर्नेस्ट ऑगस्ट फ्रेडरिच रुस्का के साथ साथ आपने एंटोन वन लीवेनहॉक जी का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की थी और उन्होंने सबसे पहले माइक्रोब को देखा था अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। उन्होंने सबसे पहले जब माइक्रोब को देखा था तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम ना देके उन्होंने एंटी मेक्यूल नाम दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ना सेकेंड पॉइंट आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक्स आर दोज जिनका थोड़ा सा बड़ा साइज भी होता है पर वेल डिफाइंड सेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ उसमें होता है। सो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एंड यूकैरियोटिक के एग्जांपल जैसे कि एल्गी, फंगी, ये सब एग्जांपल्स है। सो अब ये हुआ हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में सबसे पहले है बैक्टीरिया, सो नेक्स्ट क्लास में हम वो कवर करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।